सिर्फ फिर आपके इस फेयरवेल में, क्योंकि हमारा पहला फेयरवेल है, एक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो अभी मेरे को लगता नहीं है कि नेक्स्ट किसी बैच को ये मिलेगा कि दो फेयरवेल अटेंड करने का, ये बड़ा मौका मिला आप लोगों को। तो यहाँ पर एक महीना हमने निकाला, और वो एक महीना पहले दिन से हर दिन एक महीना जैसा था, हर एक दिन, क्योंकि हमने अपना पूरा दिन अपना सिर्फ ये सोचने में निकाला कि जो भी हम सीख रहे हैं वो हमें आगे क्या हमें फायदा देगा। और ये सोचकर हमने हर रात में जब हम सोए और जब हमने अगले दिन उठे, तो हम ये सोचकर उठे कि आज हम नया क्या सीखेंगे। जब आप आते थे, सच बताइए आप सभी लोग, जब आप आते थे नए दिन की ओर, तो आप लोगों के अंदर क्या रहता था कि आज मैं नया क्या सीखूंगा, ये रहता था कि नहीं रहता था? पूरा जोश के साथ। देखिए अभी जा रहे हैं आप घर, और आपने देखा ही होगा कि कितने जोश के साथ यहाँ पर सारे लोग, मैनेजमेंट हमारा रहता है, उतने जोश के साथ। क्या रहता था कि नहीं रहता था? यस सर, रहता था। तो यही चीज, ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा आप लोगों का। आज फेयरवेल है, आज विदाई समारोह है, आज आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। देखिए हमने आपसे कहा था कि हम बेस्ट स्टूडेंट चुनेंगे। बेस्ट स्टूडेंट क्या होता है, क्या कैटेगरी होती है? अगर ये बोले डिसिप्लिन में होता है बेस्ट स्टूडेंट, कि अगर उसका निरंतर पहले दिन से उसका डिसिप्लिन अच्छा हो, बेस्ट स्टूडेंट होता है, बेस्ट स्टूडेंट होता है उसके वर्क में, उसके वर्क में, कि वो हार कर भी जीत रहा हो, मायूस भी हो, फिर बोला नहीं सर मैं करूंगा सर, और उस करके दिखाए। बेस्ट स्टूडेंट बहुत ही कैटेगरी में होते हैं। और मोहम्मद साहिर सर का क्या, आप एक 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 नाम में आप बताएंगे कि कैसा रहा था जब पहले दिन आपने, क्योंकि उन्हीं को देखा सारे टीचरों में, क्या थे ये, अच्छे है कि खराब है, क्या है ये? बहुत टाइट है ये, थोड़े सख्त है, और सख्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम शक्ति यहाँ नहीं करेंगे तो हम सच बता है वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिसिप्लिन एक एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप बिना डिसिप्लिन के कभी नहीं पा सकते। मेहनत करने वाले दो तरीके से होते हैं, एक गधा और एक घोड़ा, पर यही बात है डिसिप्लिन किसमें है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ में आप कभी भी याद रखना, डिसिप्लिन को कभी मत छोड़ना, भले आप अपने माँ बाप के साथ हो, या आपने घर पे हो, या आपने फैमिली, या आपने आप दोस्तों के साथ हो, या किसी बाहर दुकानदार या उनके कस्टमर के साथ हो, डिसिप्लिन, अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा, तो आपसे कस्टमर खुश होगा। भले ही एक मोबाइल किसी प्रॉब्लम की वजह से वापस भी गया तो वो वापस आएगा, पर अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा नहीं रहा तो बनाने के बाद भी वो कस्टमर वापस नहीं आएगा। ये चीज का एक्सपीरियंस है, इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं। हमारे मिस्टर तरुण गुप्ता, ये हमारे इंजीनियर तरुण गुप्ता जी, तरुण जी के बारे में बताऊंगा, ये भी एक नए एंटरप्रेन्योर है हमारे और शहर के, और एक भावी इंजीनियर हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं ये। आपने देखा होगा वेबसाइट हमारी www.acertelecom.info, जो एक हमारी डायनेमिक वेबसाइट बनी है, बराबर, डायनेमिक वेबसाइट जो हमारी बनी है, वो उसका पूरा क्रेडिट हमारे मिस्टर तरुण जी को जाता है। पूरे लॉकडाउन में, बैठकर हम लोग बहुत डिस्कस करते थे लॉकडाउन के टाइम पे, क्या है क्या नहीं है, लोगों के पास में काम नहीं था, पर हमने ये सोचा कि अभी लॉकडाउन में फिलहाल 6 महीने बंद हो सकता है, आज हमारे पास कोई काम नहीं है, पर 6 महीने के बाद तो काम होगा ना, तो हमने 6 महीने के बाद का काम लेके ही आज का काम चालू किया। कि ये मेरे घर वाले बोलते थे वेबसाइट क्यों बना रहे हो जब अभी बंद है, देखो अभी क्या पता 8 महीने के बाद भी खुले ना खुले, 1 साल के बाद खुले ना खुले, अभी तो महामारी चल रही है, बाल लट पड़ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी। तब मैंने अपने घर वालों को बोला कि आज जो मैं काम कर रहा हूं उसका मुझे कल नहीं, मुझे 6 महीने बाद मिलेगा या 1 साल मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। और जिस दिन एक दिन जब मैं आऊंगा वापस काम करूंगा, तो मेरे पास में इतना सारा काम आउटपुट मिलेगा, और वो उसमें से बहुत ज्यादा तरुण जी है। आज हमारे पास बहुत सारे नए स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो वो हमसे हमारा नंबर मांगते हैं, बहुत बार नहीं हो पाता, नंबर नहीं दे पाते हैं, तो सिंपल एक उनको मैसेज डाल देते हैं कि भैया www.acertelecom.info में जाओ, तो वहां पे हमारे नंबर्स, वीडियोस, इंफॉर्मेशन सब कुछ है। तो सबसे पहले सर की वेबसाइट हम यहाँ पे बताएंगे, आइए सब लोग आ जाए, एक वेबसाइट यहाँ पर फोटो एक बार क्लिक कर ले, आ भाई सब लोग एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। तो ये जो वेबसाइट है, एक देश एक कोर्स, खैर ये तो एक मेरी सोच थी, ये सोच इसलिए क्योंकि मैं देखो हर आदमी किसी न किसी को फॉलो करता है, मैं शायद मोदी जी को फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि कई बार मुझे एक बार किसी ने बताया कि वो इतनी उम्र में भी
रात के 1:30 बजे भी ऑफिस जाने से कभी डरते नहीं, रात के संडे को भी वो काम करते हैं। तो मैं, मेरा ये नहीं है कि पॉलिटिकल मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग मैं एज अ उनको इस तरह से फॉलो करता हूँ कि वो कितना लेवल पे काम कर सकते हैं इतनी उम्र में। तो मैं यही सोचता हूँ कि जब मैं उनकी आधी उम्र का हूँ, आई एम राइट नाउ कितना 35 और 36 हूँ मैं, जब मैं इतनी उम्र में अगर इतने रात में 8 बजे जाकर अगर मेरी हड्डियां कड़क रही है या मेरे को पाव दबाने की जरूरत पड़ रही है या मुझे नींद आ रही है और मुझे पूरी नींद लेनी है, तो फिर मैं बहुत नकली हूं मैं, मैं सच बताऊं। और ये, और मैं ये सोचूं कि मुझे वो मिल जाए ये मिल जाए तो भाई कुछ नहीं मिल सकता, हमको तब तक कुछ नहीं मिल सकता जब तक कि हम अपनी उम्मीद से ज्यादा मेहनत ना कर ले। एक बार ध्यान रखना, आप सभी लोग कहीं ना कहीं एक बार जिम जरूर गए होंगे। जिम में जब भी हम जाते हैं तो शुरुआत में जब हम छोटे एकदम से बड़े तो उठा नहीं पाते हैं, छोटे ही ऑब्वियस है, तो उठाते हैं तो एकदम से जब नसल वो नहीं बनती है, मांसपेशियां नहीं बनती है, मांसपेशियां 20 मारने से भी नहीं बनती है, 30 मारने से भी नहीं बनती है, वो तब बनती है जब यहाँ पे दर्द पैदा हो, जब आपको मसल में दर्द मिलता है, जब आपको लगता है अब नहीं जाएगी अब नहीं जाएगी, तब अगर आप जितना ऊपर लोगे तब ही आपकी मांसपेशियां बनती है। वही डेवलपमेंट का वही एक आखिरी होता है, आप 50 मान लो हल्का कुछ नहीं होगा और जब तक दर्द महसूस नहीं होगा। इसलिए लाइफ में काम करते समय जिस दिन आपको दर्द महसूस हो रहा हो अपने काम में, उस दिन समझना कि आप पनप रहे हो, उस दिन समझना आप अपग्रेड हो रहे हो, और वो दर्द होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंफर्ट जोन में किसी ने आदमी ने आज तक कुछ नहीं किया है लाइफ में। सो तरुण जी ने इतनी अच्छी वेबसाइट बनाई है, डायनेमिक वेबसाइट है। डायनेमिक और स्टेटस क्या होता है कि इसमें मूविंग पार्ट है, ये आप जब इसको वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको इसके पार्ट मूव होते हुए दिखाई देंगे। सो बेसिकली तरुण जी कुछ बताएं यहाँ पर, क्या आप यहाँ पे दे सकते हैं एज अ बीन स्टूडेंट आप भी रहे हैं यहाँ पे, और आप बताइए कि क्या ये स्टूडेंट लेके जा सकते हैं, बताइए। थैंक यू सर जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैंने आपकी वेबसाइट में काम किया, आपने मुझे लायक समझा कि मैं आपकी वेबसाइट बनाने के, जब मैं वेबसाइट करने मुझे ऑफर किया था तो वेबसाइट जो हमने सोचा था तो कॉन्सेप्ट नहीं था उसका, कोई कैसा क्या बनाना है, अपन को सिर्फ सिंपल था कि आपको सिंपल से वेबसाइट बनानी है, 4 पेज की वेबसाइट बनानी है और मेन पेज आएगा और 4 कोर्सेस आएंगे बस। फिर बाद में हम सर से डिस्कस किया मैंने, तो उसमें मैंने सर ने बोला कि अपन उसको ये भी कर सकते हैं, अपन उसको वो भी डाल सकते हैं। फिर सर ने मुझसे बोला कि अपन के जो अपने स्टूडेंट हैं जो बाहर से अपने यहाँ विदेश से भी स्टूडेंट आते हैं, तो अपन उनको एक बार उनको एक समझा ही सकते हैं कि अपन पूरा कोर्स, तो सामने वाला अपन उसको वेबसाइट का नाम बताएंगे, सामने वाला वेबसाइट में जाएगा अपने जो जो भी कोर्स उसको चाहिए है उसको सिलेक्ट करेगा, उसको सिलेक्ट करने के बाद उसे पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ेगा वो, उसको क्या क्या चाहिए है, नए बैच का आ रहा है, लोगों के रिव्यू देखेगा क्योंकि ऐसे रिव्यू में हमको क्या मिला कितना अच्छा था ये सब, अगर सामने वाले को अच्छा लगता है तो उसमें पेज में इंक्वायरी करेगा इंक्वायरी करने के बाद सर के पास डेटा है, डेटा से आपको वो कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल आप भी कर सकते हैं। हम लोग का वेबसाइट में सिर्फ इतना ही था, फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अपन स्टूडेंटों को जो हम लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं वाले, तो उनको वेरिफिकेशन भी दे सर्टिफिकेट का कि कल के दिन आप कहीं जा रहे हो तो कम से कम सामने वाला बोला कि ये फर्जी सर्टिफिकेट तो नहीं है, सही बात है, और सर तो हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेंगे कि भैया हमारे बंदा हमारा जेन्युइन है, और सर के पास स्टूडेंट रहते हैं जिनको उनको नाम भी आदमी होता है भैया ये, उसमें टाइम लगता है सर्टिफिकेट को वैलिड करने के लिए। तो अपन ने क्या किया, हमने सर साथ डिस्कस करने का इसमें बारकोड डालने के बाद उसमें क्या हुआ, अगर कोई इस बारकोड को अपने मोबाइल से स्कैन करता है तो डायरेक्ट वो उनकी वेबसाइट में खुल के आता है विद फोटो और आपका ये जो उसमें जो इंफॉर्मेशन है और जो उसमें आपका जो आपकी फोटो के साथ में नाम के साथ सर्टिफिकेट आईडी और स्टूडेंट आईडी भी आपको उसमें दिखाई देगी, जिससे कि सामने वाला आपको समझेगा कि हाँ भैया वैलिड सर्टिफिकेट है और वो आपका ये जेन्युइन सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसको अपन डिजिटल सर्टिफिकेट बोलते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं और हमेशा लाइफ टाइम के लिए हो गया। वेबसाइट में हमारी वेबसाइट में लॉग इन करके आप वहां पर रजिस्टर करेंगे अपने आप को मोबाइल के साथ में, तो आप अपना सर्टिफिकेट कहीं पे भी है किसी भी, अगर आप इस देश के किसी स्टेट में अलग किसी देश में तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और आगे भी अपन इसमें और काम करेंगे वेबसाइट जिसमें आप लोग के लिए बहुत ज्यादा सहयोग हो, और मैं चाहूंगा सर का सहयोग रहेगा तो अपनी वेबसाइट कहां कहां जाएगी। बहुत हार्ड वर्क देवेंद्र अग्रवाल और हमारी पूरी टीम, मिथिलेश को यहाँ पर हमारे 2018 के स्टूडेंट
जब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बढ़ा देते, जब हम एमएमसी नहीं बढ़ा देते। रीजन क्यों नहीं बढ़ा देते, क्योंकि तब एमएमसी का इतना क्रेज नहीं था, ना मार्केट में यूएफआई था, ना आईसी अवेलेबिलिटी कुछ भी नहीं था, ना पेस्टेड आईसीओ का स्क्रैपर आता था, और यहाँ तक कि माइक्रोस्कोप भी वहां पे बहुत रेयरली होते थे, कहीं कहीं हमारे पास भी एक ही था उस टाइम पे भी, और रेयरली थे कि माइक्रोस्कोप भी वहां पर होते थे। तो मिडलेश, आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में पहले बताएं कि कैसा लगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट देते हैं, बताइए। थैंक यू सर, आपको सब गुरुजनों को मेरा प्रणाम, और मेरे जो साथ क्लासमेट हैं उनको भी मेरा धन्यवाद। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ फ्रेंड, मेरा तो थोड़ा गाड़ी है इसलिए थोड़ा लेट, मैं तो बहुत बड़ा आपको स्पीच देता 10 मिनट का कम से कम। इनका चैनल भी है, बाकी मेरा चैनल है MHKS मोबाइल इंजीनियर, आप वहाँ सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब तो शायद वहाँ EMC का भी वहाँ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि लेटेस्ट से लेटेस्ट होगा। और हमें जो अच्छा लगा इस बार जो आए EMC का बैच करने के लिए, इसमें सर हमारे मिलन सर जो कि बहुत अच्छा टॉपिक लेके चले, और हमें एक एक पॉइंट रोज बरतते जाते थे, एक एक पॉइंट, और जो कि मेरे दिमाग में बैठ चुका है, और बीच में कहीं डिस्टर्ब आता है तो सर वैसे बैकअप सपोर्ट के लिए हमेशा, मैं देखा आज बैठे हुए थे यहाँ, और इतना व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज सबको एक एक करके रिप्लाई दे रहे थे। शायद आगे भी आप लोगों को मिलेगा, हमें भी मिलेगा, तो मैं अपनी बारी में ही समाप्त करना चाहता हूँ।